परिक्रमा रिक्शे में स्टार्ट किए तो पहला हमारा जो मंदिर आया ये वाला मंदिर आया। कौन सा मंदिर है? कृष्ण सनोवर मंदिर का नाम है। हमने परिक्रमा की, पहला मंदिर हमारा ये आया। सारा कुछ कृष्ण सनोवर पे पहले अपने पड़ाव पे आ गए, आपको दिखाते हैं। बहुत ही अच्छी सुंदर मंदिर दिख रहा है यहाँ से, बहुत विशाल और बहुत प्रियचित मंदिर है ये। और ये हिस्ट्री है इंडिया की, बहुत ही शांति आपको दिखाई देता पहाड़ की। राधा रानी को नीचे जमीन पे गिराने से पहले भगवान ने पुष्प जो है कुसुम को जो है नीचे फेंक दिया, तो जब कुसुम नीचे गिरा तो ये स्वरूप, ये जो है सरोवर का स्वरूप उन्होंने धारण कर लिया। भगवान देखते हुए मुस्कुराते हुए राधा रानी को पकड़ते हैं और वापस से स्थान जो है साइड पे लेके आते हैं और गोपियों के साथ लीला का आस्वादन करते हैं। ये भगवान की विनोद की लीला है और इसका नाम क्या बोलते हैं? कुसुम सरोवर। भी हम गोवर्धन परिक्रमा में ये होता है, रिक्शे से कर सकते हो तो पैदल कर सकते हो। ये लोग पैदल भी कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हो, पर हम रिक्शे में करें, हमारे पास टाइम नहीं क्योंकि कल हमें फिर पाकिस्तान के लिए वापस निकलना है इस वजह से। और ये हमारे रिक्शे खड़े, अब हम फिर रिक्शे में बैठ जाएंगे और जब भी कोई मंदिर आएगा फिर हम उतरेंगे, दर्शन करेंगे, फिर रिक्शे में बैठेंगे, ऐसे पूरे हम गोवर्धन परिक्रमा पूरी करेंगे। रिक्शे में परिक्रमा कर रहे हैं, पैदल ही कर रहे हैं, सही बता रहे हैं। हमारी आंटी जी भी हमारे साथ है, ये सारे रिक्शे हमारे तीर्थ यात्रा वालों के, सब बुजुर्ग भी हमारे साथ है। तीर्थ यात्रा चल रही, चले चलते दिखाते रहेंगे आपको कहाँ पहुँचते हैं। खड़े जब भगवान ने गंगा अपने दिमाग से प्रकट की थी, आप उस जगह पे आ गए तो आपको दिखाते हैं आगे। अब हमारा दूसरा स्थान गोवर्धन पर्वत का ही दूसरा मंदिर है। ये मानसिंह गंगा आप लोग देख सकते हो, अभी आंटी जी भी हमारी कर रही है, करो जाओ अंकल आप भी। ये है मानसिंह गंगा, यहाँ पर ऐसे दर्शन करते हैं। यहाँ पर लोग मन्नतें मांगते हैं, आप देख सकते हो। हमारी दूसरी परिक्रमा में पांच पूरे स्थान होते हैं। हमारी सेकंड स्थान कंप्लीट हो गया, धाम सेकंड धाम हमारा कंप्लीट हो गया। दो मंदिर हो गए, अभी तीन रहते हैं। हल्का हल्का सा दिख रहा है गोवर्धन पर्वत, आप लोग देख सकते हैं। लेके जाते हैं साधु को, गिराते हैं सब काट देते हैं। ये अंकल आंटी ये मेरी मम्मी परिक्रमा कर रहे हैं, रक्षे में गोवर्धन परिक्रमा। और ये पहाड़ हल्का हल्का दिखता है गोवर्धन पर्वत, जो था कृष्ण भगवान ने उठाया था, झाड़ियों की वजह से छुप गया है अभी। ये देखे यहाँ पर लोग परिक्रमा कर रहे, लेट के भी गोवर्धन पर्वत परिक्रमा करते हैं। इनकी 8 दिन में कंप्लीट होती है, पूरे 8 डेज लगते कंप्लीट होने में। रुकना नीचे से ले लिया, ये एक मिनट शुरू। ये परिक्रमा कर रहे, देखो आप लोग देख सकते हो,
ये भी परिक्रमा होती है, इनको 8 दिन रखते कंप्लीट करने में। दर्शन कर ले सभी। क्या ये हमारा तीसरा मंदिर आया है परिक्रमा में, गोवर्धन परिक्रमा में ये हमारा तीसरा मंदिर आ गया है, अभी आके दर्शन कर रहे हैं। ये पूछलीगढ़ लोटा हनुमान जी का मंदिर है, ये भी गोवर्धन परिक्रमा में आता है, ये तीसरा मंदिर था। और यहाँ पर हम हनुमान जी को बताते कि जी कान्हा को बता देना कि हमने परिक्रमा कर रहे हैं और हम आ रहे हैं। इनके 8 दिन में कंप्लीट होती है ये परिक्रमा, पूरी गोवर्धन परिक्रमा करते रिक्शे में पैदल, और लोग ऐसे भी मन्नत मांग के करते। जो कुंड है ये राधा और श्याम कुंड पर हम आ चुके हैं, और ये यात्रा का हमारा आखिरी जो है पड़ाव था, इसमें हम चल रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, देख रहे हैं, काफी यात्री मौजूद थे हमारे साथ। और एक और था, कौन सा था, मुख धामोदर मुखारविंद, हम लोग नहीं दिखा पाए, वहाँ पर वीडियो अलाउड नहीं थी, अब बस ये आखिरी रह गया था। गोवर्धन परिक्रमा में ये हमारा लास्ट है, इसको बोलते हैं कृष्ण राधा कुंड और श्याम कुंड। गोवर्धन परिक्रमा कंप्लीट हो जाती है इस स्थान के बाद, आप लोग देख सकते हैं। जय जो कामना लेके आए हो तो एक कामना राधा रानी के चरणों में रखी। हरिओम विष्णु विष्णु कैलाश जम्मू जी के महामाशे आज नवमी तिथि में अपना नाम प्रभु आपका नाम इनका ही लगे श्याम सुंदर, हम आपके चरणों में कामना करते हैं, हमें सुख शांति करो, घर में सुख शांति करो, निरोगी काया करो, निरोगी काया करो, अखंड लक्ष्मी का वास करो, अखंड लक्ष्मी का वास एरिया है ना हमारा बरकर, उसको बोलते हैं संगम घाट। श्री वो लोग बता तो देंगे ना, आपके यहाँ पे बता देगा, नहीं नहीं सामान वगैरह ब्राह्मण की पूजा लक्ष्मण प्रसाद बोल रहे ना, किलो जो संकल्प में बोलते हैं उसका मूल जल से लगा के खुशी से जैसे आपकी राशि है ना, घर की सुख शांति के लिए, निरोगी काया के लिए, अखंड लक्ष्मी के वास के लिए, चरणों की भक्ति के लिए, चरणों की भक्ति के लिए, गुरु भक्ति के लिए, गुरु भक्ति के लिए प्रसाद अर्पित करते हैं, कृपा करके स्वीकार करो, बोलो गुरु जी कितना जो आपका खुशी हो, ऐसे जैसे राधा का दिन ऐसे शाम का जुगल जोड़े से देखा, अपना खुशी से जो आधा किलो, एक किलो, दो किलो, दस किलो जो तुम्हारा सामान अपना खुशी से बोलो, नहीं बोलते हैं ना, अपना भू का दान नहीं करते, खुला दिल से खुशी से बोलते हैं, बोलो 51 रुपये राधा जी के भोग में, आप बोलो माता जी जो आपका खुशी है हाँ लेना बाद में दे देना, बोलो नहीं नहीं ऐसा नहीं, इनके ले के बाद में इनको मेरे आप बोल वो नहीं देना चाहिए, आप बोलो माता जी अपने आदमी के साथ है, बोलो 51 रुपये राधा जी के भोग में, 51 रुपये श्याम जी के भोग में, राधा कुंड जुगल जोड़े से राधा कुंड कामना के लिए कृपा करके पहचान पहचान मस्तक से लगा के कामना बोल के छोड़ दो माता जी, मस्तक से लगा आपको बता दूंगा, हनुमान जी की बात बात करना मेरे को जी।
छठ के वाले दिन बात करना। क्या मांगा मेरे लिए? कुछ मांगा और आप सुनो, पापा दीपक भी जलाओ, दीपक जलाओ। आप लोग देख सकते हो अंधेरा है, पर फिर भी जितना हुआ दिखाया। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। छोटा सा कहाँ गए? कोई है? आप क्या करें? घुमाइए, सात बार घुमाइए। भूपम दीपम दशामी श्री राधा रानी चल कमले नमो भगवान मंगलम भगवान अब दोनों हाथों से उठा के बोले जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ताली बजा के हंस जाइए, अपना खुशी से राधा रानी आपकी काम पूरा करे, बार बार आते रहो। बस 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 थोड़ी सी जल देना मेरी, बस बस मुझे भी चलो हाथ उठा, चलो आप लोग बधाई हो, बधाई हो, आप लोगों की यात्रा कंप्लीट हो गई। सबको बधाई हो, यात्रा कंप्लीट हो गई। सबको बधाई, सबको बधाई भाई, सबको सबको भाई। पापा बोल दो हमारी ये वाली यात्रा, ये हमारी यात्रा संपूर्ण हो चुकी है। गोवर्धन पूजा वाली पूरी यात्रा परिक्रमा हो गई, गोवर्धन परिक्रमा हमारी कंप्लीट हो गई। परिक्रमा हमने रिक्शे में शुरू की थी, वहाँ पर वापस हम लोग धर्मवत प्रणाम करेंगे। हमारी गोवर्धन परिक्रमा पूर्ण हो गई। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हंसो